हेलो फ्रेंड, ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये एप्पल और एंड्रॉयड में दोनों में अवेलेबल है। इसमें बिग कंपनी जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें ग्राफ फोरकास्ट करना होता है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज। नहीं समझे? चलो मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने 700 रुपये का ट्रेड अप में लगा दिया। उसके बाद वेट करते हैं। वेट, यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। इसे हम इजीली 24 घंटे के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपया है और हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और फ्रेंड, हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करने से आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपये मिलेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं और नया स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हैं। तो जाइए, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस बिनोमो ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। जगा उसे, जब से लाया है तब से सो ही रहा है। हाँ प्रभु, अभी जगाता हूँ। प्रभु, लगता है गहरी नींद में सो गया है, अब आप ही ट्राई कीजिए। हम है हम, ऐसा नहीं उठेगा। तो मैं इसको उठाता हूँ। डॉक्टर साहब, अब लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। हम यम दुष्ट मानो, हम डॉक्टर नहीं, यमराज हूँ। हाँ मानव भैया, डॉक्टर साहब तो धरती पे ही रह गए, ये हमारे प्रभु यमराज जी और हम चित्रगुप्त हैं। अच्छा, साला लगता है रात को सोते वक्त ना गरीबों वाली फिल्म देखी थी, इसलिए ऐसे भुखमरी जैसे चेहरे सामने आ रहे हैं। यार इससे अच्छा तो मैं उठ जाऊँ। अरे दुष्ट मानव, उठ तो तुम गए हो दुनिया से। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, मैं पता है तुम कहाँ आ गए हो। हमारा यमलोक में एंट्री हो चुकी है। चुप, झूठ बोलता है। झूठ? प्रभु दुष्ट मानव, यम है हम। ए इधर देखो, अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, जाके कहीं चिल्लर उल्लर इकट्ठा करो, नहीं तो अभी गुस्सा लग गया ना। खामोश, दुष्ट मानो तू यमलोक में आके यमराज को धमकी दे रहा है। प्रभु ये घोर अपराधी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है चित्रगुप्त, हम सजा देंगे, लेकिन ये कठिन का मतलब क्या होता है? प्रभु कठिन का मतलब कड़ी, कड़ी सजा, जैसे भजिए तलना, सूप बनाना, आंखें निकालना और इसका कलेजी पथरी सब इकट्ठा करके बिरयानी बनाना। हाँ ठीक है चित्रगुप्त, हम उससे भी कड़ी सजा इसे देंगे। मानो तोले के बाद कितना होता है? प्रभु सारा। हाँ मानो, तारा का पहाड़ा सुनाओ। अबे जाहिलो, तारा नहीं, 17। हाँ वही 17 नहीं की सारा का पहाड़ा सुनाओ। अरे क्या प्रभु, ये कौन सी कड़ी सजा? अरे चित्रगुप्त बहुत कड़ी सजा है। स्कूल में हमें जब कहते थे कि सारा का पहाड़ा सुनाओ, हम सुना नहीं पाते थे, हमको मुर्गा बना देते थे। अगर ये दुष्ट मानो पहाड़ा नहीं सुना पाया ना, तो हम इसका भजिया तलेंगे। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो? अरे ठीक है प्रभु, ठीक है, आप अपना विपत मत बताइए, इसे क्या करना है ये बताइए। और अपराधी है ये। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैंने बहुत पुण्य किए हैं। महाराज मैं हर शनिवार को कुत्ते को रोटी देता था। दुष्ट मानो, यही तो पाप किया तुमने। शनिवार को कुत्ते का व्रत होता है और तुमने रोटी खिला दी उसे, तेरी तो। अरे महाराज, कुत्ते ने भी तो नहीं बताया कि उसका मौन व्रत है, अगर वो बता देता तो मैं उसे फल नहीं खिला देता। देखो हम इंसानों को देखते हैं, कुत्तों को ये देखते हैं, उनसे कहो। ए कुत्ते, क्या बताओ? ए कुत्ते, की बात सुनो। हाँ कुत्ते, का व्रत था उस दिन, उसने इशारा भी किया था फल का। अच्छा, ओ कुत्ते, प्रभु का इशारा कौन समझता है? अच्छा कुत्ते का इशारा नहीं समझते? अरे नहीं समझ में आता। दुष्ट मानो, अभी पड़ोसन इशारा करे तो तुरंत समझ जाते हो। क्यों डरिए? हाँ पड़ी,
हाँ तो प्रभु, अब इस डायनासोर का क्या करना है ये बताइए। अरे करना क्या है, आग वाला चूल्हा जलाओ। अरे नहीं नहीं महाराज, क्या कह रहे हैं, तरस खाइए तरस। अरे नहीं नहीं मानो, हम तरस खा खा के पहले से गुस्से में हैं, और अगर तूने ऊपर से गुस्सा दिलाया ना, मार के गदा से तेरा सर फोड़ देंगे। अरे नहीं महाराज, गुस्सा मत कीजिए, सुनिए, मैंने तो सिग्नल पर कंबल भी बांटे थे गरीबों में। अरे नहीं प्रभु, ये झूठ बोल रहा, मुझे तो कभी मिले नहीं। अरे तुम चित्रगुप्त ही हो ना? हाँ क्यों? नहीं मैं सोचा तुम भी कहीं सिग्नल पर भीख मांग रहे थे। खामोश, ज्यादा बोलेगा ना मारूंगा पेट पे। प्रभु मुझे लगता है ना ये ऐसे नहीं मानेगा, बुलाओ जरा दूध को तो। अरे करो। हाँ महाराज। अरे ये कौन, बड़ा क्यूट है। दुष्ट मानो, ये क्यूट नहीं दूत है। अरे नहीं महाराज, ये तो हमारे मेहमान हैं। मेहमान जी एक जोक सुनाऊं? अरे तुम जल्लाद हो जल्लाद, जोक सुनाओगे? ए इधर देखो, तुम्हारे बुआ का फिल्म का प्रमोशन नहीं चल रहा है, जोक सुनाओ जोक। ठीक है ठीक है महाराज, ये सब बात छोड़िए, पहले ये बताइए आज ये आप लोग क्या खाएंगे? अरे दूत, तुम एक काम करो ना, हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े मंगवाओ। और हमारे लिए भी पकौड़े? अरे तुम ऑर्डर नहीं दे सकते? क्यों? अरे तुम्हारा ही तो गर्मा गर्म पकौड़े बनेगा। अरे मेरा क्यों पकौड़े बनेगा? अरे क्योंकि तुम दिखते आलू जैसे हो। हाँ तो तुम भी तो कालू जैसे हो। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है काले आलू जैसे हो। हाँ बिल्कुल सही समझे, तो जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, वैसे आज एक काला आलू आलू को काटेगा। हाँ बिल्कुल, आज ये आलू कटेगा, सब में बटेगा। अरे नहीं नहीं महाराज जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ क्यों? अरे महाराज मैं ये कह रहा हूँ, कुछ ले दे के मुझे स्वर्ग में शिफ्ट करवा दीजिए ना। अरे दुष्ट मानो, क्या ले सकते हैं तुमसे, जान तो तुम्हारा पहले ही ले चुके हैं। हाँ क्या हुआ, आ गई बात समझ में? जब बेसन में लपेटे तले तुम्हें। अरे नहीं महाराज नहीं। अरे रुको रुको, इसका तुम भजिया मत तलो, मैं तो कह रहा हूँ पाया सूप बना डालो। हाँ और नाखून काट कर बनाना, क्योंकि दांत में फंस जाते हैं। आ जाते हैं लेकिन बड़े मुश्किल से निकलते हैं। चलिए महाराज कोई बात नहीं है, हम नाखून काट के बनाएंगे। चित्रगुप्त अपना इस कद्दू को कस के पकड़ के कढ़ाई में डालो, हम टमाटर और प्याज काट के लाते हैं। अरे नहीं प्रभु नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट मानो चुपचाप चल, काम हो रहा है, पकौड़े भी बनाने हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु, ले चलिए इसे।